बेला बड़ा एहसान है कि अशरफ المخلوقات अल्लाह की तरफ से किसी ने दरख्वास्त नहीं दी अल्लाह की तरफ से चीज मिली हुई। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे उम्मत ने पैदा फरमाया। अब इसके लिए भी कोई हमने दरख्वास्त नहीं दी अल्लाह की तरफ से नेमत। और ये सबको पता है कि इस उम्मत की फजीलत बाकी उम्मत के जितने भी उम्मत उसमें कितनी बेजहार है। सबसे एक सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लीजिएगा कि सबसे आखिर में आने वाली उम्मत जब तक जन्नत में नहीं जाएगी बाकी सारी उम्मतों पर जन्नत पा रही इस उम्मत की फजीलत। मगर हम में से किसी ने भी दरख्वास्त नहीं दी अल्लाह करो कि मुझे इस उम्मत में पैदा करो। पैगंबरों ने मांगा था ये उम्मत, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने मांगा था ये उम्मत, ये उम्मत हमें दे, हमें से किसी नहीं अल्लाह की तरफ से इस उम्मत में पैदा फरमा के फिर एक और ही नाम अल्लाह जल्ल जलाल मुसलमान दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा अल्लाह जल्ल मुफ्त में दिया है और ही नाम इसकी कदर उनके पास है जो बाद में मुसलमान है उनसे पूछ लीजिएगा, जो बाद में मुसलमान है उनसे पूछ लीजिएगा ये कलमे की कदर उनके पास क्या है अल्लाह की तरफ से। अब इस अल्लाह ने जो जितनी इन नेमतें हमें दी है क्या इस अल्लाह को हम जानते हैं क्या नहीं? जो अल्लाह रोज हमें दे रहा है कोई हक अदा नहीं कर सकते हम अल्लाह। अब इन नेमतों के बावजूद हमारे अपने जिस्म में देख रहे हैं अल्लाह ने हमारी आंखों को देखने की ताकत दी है कोई साइंसदान नहीं किसी को नहीं दे सकते जिसको शुरू से जिसमें आंखों में ताकत नहीं है देखने किसी साइंसदान किसी डॉक्टर ने सही किया उसको कोई नहीं कर सकता। जिसके हाथ ने ये अल्लाह पाक ने हाथ दिए दोनों पांव दिए चलने के लिए कौन सा डॉक्टर कौन सा नर्स कर पाएगा जब अल्लाह ने दे दिया तो नहीं दी ये अल्लाह की तरफ से मुफ्त की नेमत है। अब इस अल्लाह को ढूंढना है इस अल्लाह को पहचानना है जो बगैर दरख्वास्त के कोई चीज कुछ कोई भी हमने आस किया ना कोई भी चीज नहीं मांगे अल्लाह ने मुफ्त की चीजें हमें दी हुई है इस अल्लाह को पहचानना है। क्योंकि इस कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक वाहदहु ला शरीक ज़ात ही है। एक जमाना था कायनात में कुछ भी नहीं था अल्लाह जल्ल जलाल व अज़ल मौजूद थी। अब ये एक जमाना है सब कुछ चल रहा है निजाम चल रहा है अल्लाह जल्ल जलाल की ज़ात मौजूद है। एक जमाना फिर आएगा सब कुछ धर्म बरहम हो जाएगा अल्लाह जल्ल जलाल व अज़ल मौजूद रहेगी। इस कायनात में हमारा मकसद क्या है? देखिए हमारा मकसद न्यूजीलैंड में आना है। हम आए न्यूजीलैंड पाकिस्तान से आए न्यूजीलैंड में मकसद हमारे यहाँ पे क्रिकेट है इस टाइम हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास हमारे ऊपर हमारे मुल्क की डिमांड है ईमानदारी है गवर्नमेंट 100% दे ये हमारे मुल्क की हमारे ऊपर हमारी क्राउड की हमारे 22 करोड़ जितनी भी आवाम है हमारी उसका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हक है यहाँ पे कि भाई ग्राउंड में 100% देना है ईमानदारी से देना है ये करना है ये करना है ये वहां का हक या भी दूसरे वहां का। मगर इस कायनात में आने का क्या मकसद है वो ढूंढना है हमने। हमारे न्यूजीलैंड में तो आने का मकसद ये कि ये ट्राई सीरीज है ट्राई सीरीज खेलेंगे 100% देंगे सब कुछ करेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह का मकसद है। फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां वर्ल्ड कप होगा उसके लिए जाएंगे वहां अलग मकसद हो जाएगा फिर हमारा ये क्रिकेट ये दुनिया का मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आए हुए इस दुनिया में किस लिए आए हुए अल्लाह जल्लाहु की जात को पहचानना ये हमारा मकसद है। अगर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना तो हमने कुछ नहीं पाया फिर जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने सब कुछ मान लिया और जिसने अल्लाह की मान उसको सब कुछ मिल गया। अब अल्लाह कौन है अब अल्लाह कौन क्या अल्लाह ने क्या क्या किया अल्लाह जल्ल जलालू खालिक है अल्लाह के सिवा कोई खालिक ज़ात नहीं अल्लाह जल्ल जलालू मालिक है अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं अल्लाह जल्ल राज़िक है अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं अल्लाह जल्ल रब है पालने वाले है अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं। यहां पे सारी बात खत्म हो जाती है अगर हम इन चीजों को मान लें सिर्फ
हाजी साहब फरमाते थे, हाजी दुआ साहब, कि अगर अलगमा फरमाए कि 1000 दफा या 10000 दफा अगर मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह की वजह से कुछ नहीं होता, ये बहुत भारी अल्फाज है, ये बहुत भारी अल्फाज है, कि अकेले रूम में बैठ जाओ और ये अल्फाज बार बार दोहरा, आवाज से जरा आवाज तेज करो कि आपकी कान सुन ले, फिर देखना क्या फीलिंग आती है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह की वजह से कुछ नहीं होता, क्योंकि शैतान तो इसी के पीछे पड़ा हुआ है, शैतान तो यही कह रहा है कि नहीं ये नहीं करो।